22वां अध्ययन है रह नेमिज रथ नेमीय। प्राचीन काल में शौर्यपुर नाम का एक नगर जहां समुद्रपाल नाम के एक राजा साथ ही साथ वसुदेव आदि दश ये दशारह लोग वहां रहा करते थे। इन्हीं में से मुख्य दो वसुदेव और समुद्र विजय। वसुदेव की पत्नी देवकी से कृष्ण की और रोहिणी से बलराम की उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। वहीं समुद्र विजय की महारानी शिवा देवी उनसे उन्हें चार पुत्रों की प्राप्ति होती है, जिनमें उनके एक पुत्र का नाम अरिष्टनेमी और एक पुत्र का नाम रथनेमी। अरिष्टनेमी बड़े और रथनेमी उनसे छोटे। अरिष्टनेमी जो है वो पूर्व जन्मों की साधना से इस जन्म में तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंध करके आए हुए हैं। तीर्थंकर बनना है तो उसी तरीके की उनकी जीवनचर्या भी है। अंतर्मुखी बहुत अधिक हैं, बहिर्मुखी नहीं है। जहां राजमहलों में राज परिवार में उनका जन्म हुआ है वहां राजमहलों और राज परिवारों जैसा जीवन नहीं है। जहां सब भोग और विलासों में जहां लीन रहते हैं वहां इस युवक के मन में ऐसी कोई भावना ऐसी कोई धारणा ऐसी कोई विचारणा ही पैदा नहीं होती। माता शिवा देवी को बार बार अरिष्टनेमी के लिए मन में यही विचार आता था कि देखो जब भी देखो अकेले में बैठता रहता है, पता नहीं क्या सोचता रहता है, पता नहीं इसकी चिंतन में इसकी चिंतन धारा में क्या चलता रहता होगा। तो एक बार उन्होंने कृष्ण से कहा कि कृष्ण ये देखो मेरा बेटा ये शादी के योग्य हो गया, विवाह के योग्य भी हो गया है, पर फिर भी इसकी अंतर्मुखी वृत्ति हटती ही नहीं है। कुछ करो ताकि ये क्या कर सके, ये विवाह के लिए मान जाए, मेरी तो ये सुनता नहीं है, बात टाल देता है बात घुमा देता है, तुम कुछ इसे समझाओ। तो कहते हैं कि कृष्ण ने अपनी महारानियों को रुक्मणी सत्यभामा आदि को कहा कि अरिष्टनेमी को तुम विवाह के लिए राजी करो। तो तब इन महारानियों ने अरिष्टनेमी को विवाह के लिए राजी किया, जैसे तैसे करके मना लिया कि हाँ अरिष्टनेमी क्या करेंगे विवाह करेंगे। और कृष्ण को जैसे ही पता लगता है कि हाँ वो शादी के लिए मान गया तो कृष्ण बड़े खुश होते हैं। और उन्हीं दिनों मथुरा में जो उग्रसेन नाम के राजा थे उनकी पुत्री थी एक राजीमती, जिनको राजुल के नाम से भी हम जानते हैं। तो राजुल से अरिष्टनेमी का विवाह उनका लग्न पक्का हो जाता है। तो अरिष्टनेमी भगवान जो अभी राजकुमार हैं ये पूरे धूमधाम के साथ इनका वरघोड़ा निकाला जाता है, इनकी विवाह की यात्रा निकाली जाती है और ये सब शौर्यपुर से होते हुए मथुरा पहुंचते हैं। विवाह का अब विवाह की धूमधाम है मथुरा में भी और ऊपर से बाराती लोग आए हैं। जब ये शोभा यात्रा नगर के किसी एक विशेष स्थान से होकर गुजर रही थी तब तो उधर से अरिष्टनेमी के कान में कोई आवाज पड़ी। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि भाई ये आवाज कैसी है। तो सारथी ने कहा कि महोदय ये कुछ जानवर लगते हैं कि बांधे हुए हैं बाड़े में, उनकी आवाज है। करे अरे उनको ऐसे एक साथ क्यों बांध दिया बेचारों को, खोल क्यों नहीं देते। तो कहा करे खोल तो दें पर वो क्या है कि आपके विवाह में जो बाराती आए हैं और फिर नगर में भी बहुत सारे जो जिन ज्ञाति जनों को इस समारोह में आयोजित मतलब कि आमंत्रित किया गया है बुलाया गया है उन सबके भोजन के लिए इन पशुओं को यहाँ बांधा गया है। फिर क्या मतलब है। फिर मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपके विवाह के आयोजन के उपलक्ष्य में इन पशुओं को मारा जाएगा और इनका मांस बनाकर परोसा जाएगा बारातियों को जो मांसाहारी है। करे ओ मतलब कि मेरा विवाह हो रहा है इसलिए इनको जीवन गंवाना पड़ेगा। करे हाँ क्योंकि आपका विवाह तो आपका ही है ना, इसलिए
आपके विवाह के उपलक्ष्य में ये बेचारे मारे जाएंगे। तो कहा करे ऐसा नहीं होगा। तो वो उन्होंने कहा रथ रोको, रथ रोका गया और सारथी को साथ लिया और जो बाड़ा था जहां वो पशु पक्षी आदि बांधे गए थे जाकर उन्होंने सारथी से भी कहा अपने कि चलो खोलो इन सबको। बाड़ा खोल दिया गया, जिन पशुओं को वहां ठूसा गया था उनको निकाला गया, जिनको बांधा गया था उनकी रस्सियां खोल दी गई, जिन पक्षियों को पिंजरों में कैद किया गया था उनको पिंजरों से आजाद कर दिया गया और इस तरीके से वो बाड़ा पूरी तरीके से खाली करके वो अपने वापस अपने रथ पर आते बैठते हैं और सारथी से कहते हैं कि सारथी अपना रथ वापस सौर्यपुर के लिए मोड़ दो। सारथी कहता है महान महोदय राजकुमार आपका विवाह है, आपको आगे चलना चाहिए। करे नहीं बहुत हो गया, बस हो गया, देख लिया मैंने, जहां अपनी खुशी के लिए अपने आनंद के लिए अपने स्वाद के लिए जिस संसार में दूसरे ऐसे बेचारे जीवों को इन भोले प्राणियों को अपने प्राण गंवाने पड़े तो ऐसा समारोह मुझे नहीं चाहिए, ऐसा संसार मुझे चाहिए ही नहीं जहां आपको दूसरों के प्राण लेकर अपना जीवन चलाना पड़ता हो। करे चलो ये मेरा आदेश है तुम्हें कि मेरा रथ वापस मोड़ दो। और अरिष्टनेमि के कहने से सारथी ने अपना रथ वापस मोड़ दिया, रथ वापस मोड़ा, सब देखते रह गए, सब रोकने की कोशिश करते हैं राजकुमार कहां चले, राजकुमार कहां चले, पर किसी की एक ना सुनी और वापस सीधे शौर्यपुर आकर ही रुकते हैं। इधर ये बात राजुल को पता चल जाती है, राजुल बड़ी दुखी होती है कि चलो तोरण द्वार तक आए और वहीं से क्या हो गए, वापस हो गए। तो इधर जो अरिष्टनेमि भगवान के छोटे जो भाई होते हैं उनका नाम होता है रथनेमि। इधर भगवान अरिष्टनेमि वापस आते हैं राजमहलों में, अपने घर वापस अपने महल वापस आते हैं और वर्षी दान देना आरंभ कर देते हैं। एक साल तक जो दान दिया जाता है वो वर्षी दान, तो वो दान वो आरंभ कर देते हैं कि एक साल तक दान देंगे और उसके बाद दीक्षा धारण कर लेंगे। राजुल को आशा है कि इन एक साल में कभी ना कभी तो अरिष्टनेमि को मेरी याद आएगी, क्योंकि ये नाता जो है वो एक दो जन्मों का नहीं कई जन्मों का नाता था दोनों का। अरिष्टनेमि और राजुल ये दोनों पूर्व जन्मों के भी साथी रहे हैं, पति पत्नी रहे हैं, तो दोनों का एक दूसरे से अनुराग भी है। पर इस जन्म में क्योंकि भगवान को तो अपना अपनी नियति का पता है पर राजुल को तो नहीं पता ना, पर राजुल अपने पूर्व जन्मों के अनुराग के वशीभूत होकर भी अरिष्टनेमि की प्रतीक्षा करती है कि वो आएंगे और मुझे ले जाएंगे। पर खैर अरिष्टनेमि तो अपना दान आरंभ कर दिया। इधर रथनेमि को एक अवसर सा लगा, एक मौका सा लगा। मौका ये कि देखो भाई ने तो शादी नहीं की ना राजुल से, तो मैं तो कर सकता हूं। तो वो राजुल के पास गए और राजुल से कहा कि राजुल देख मेरे भाई ने तो तुमसे विवाह नहीं किया, पर तुम यदि चाहो तो मैं तुमसे विवाह कर सकता हूँ। तुम मुझसे और मैं अरिष्टनेमि से अपने भाई से किसी भी मायने में कम नहीं हूँ। तुम देख लो रूप में वय में और सब एक जैसे ही हैं हम लगभग। तो जब राजुल ने ये बात सुनी तो राजुल ने वहां पर थूका और थूक कर कहा कि इसे चाटो। रथनेमि कहता करे क्या बोलती हो राजुल, ये क्या थूक के तुम्हारा थूक क्यों चाटूं मैं। तो कहा करे अगर तुम मेरा थूक नहीं चाट सकते तो फिर अपने भाई के द्वारा, मैं तो उनके द्वारा त्यागी हुई हूँ ना, उन्होंने मुझे छोड़ी दिया ना, यदि मैं उनके द्वारा छोड़ी हुई हूँ तो मैं भी तो उनके द्वारा त्यक्त हूँ। तुम मुझे स्वीकार कर सकते हो पर थूक को स्वीकार नहीं कर सकते। तो रथनेमि को बात समझ में आ जाती है, वो भी बैरागी बन जाता है। और इस तरीके से भगवान अरिष्टनेमि ने एक साल के बाद दीक्षा ले ली। कुल 53 दिन का उनका छद्मस्थ काल रहा और 53 दिनों में ही उनको उर्जियंत गिरी, जिसको आजकल गिरनार कहते हैं, गिरनार पर्वत पर उनको केवल ज्ञान हो जाता है, ये सबको पता चलता है। और यहाँ रथनेमि वगैरह दीक्षा धारण कर लेते हैं और बाद में समय आने पर राजीमती भी, राजुल भी समय आने पर भगवान के पास दीक्षित हो जाती है। तभी की बात है कि एक दिन गिरनार पर्वत पर जब साध्वियां नीचे रुकी हुई थी और सुबह वो भगवान के दर्शनों के लिए ऊपर जा रही थी, तो तभी तेज बारिश आंधी तूफान चालू हो जाता है। उस आंधी तूफान में राजुल जो और भी सतियां थी, बहुत सारी स्त्रियां मतलब साध्वियां थी, तो सब ने जहां जिसको जगह मिली वो वहां वहां घुस गए जाके। राजीमती अर्थात जो राजुल हैं, राजुल को भी एक गुफा दिखाई दी और वो भी उसमें क्या हो गई, गुफा में प्रविष्ट हो जाती है। अब जो वस्त्र होते थे साध्वियों के, आज भी दिगंबर परंपरा में जो साध्वियों के वस्त्र होते हैं वो एक ही होता है, एक साड़ी होती है, उसको पूरे तरीके से इस तरीके से लपेटा जाता है कि पूरे शरीर को ढक दिया जाए।
अब वो ही एक साटिका में वो है, एक साड़ी में वो है, और दो वो थोड़े बारिश में की वजह से वो गीली हो गई। तो राजीमती ने क्या किया, वो साड़ी उतारी और वहां गुफा में की कोई है नहीं और वहां सुखा दिया। परंतु वहां पहले से ही रथनेमी जो साधु बने वो ध्यान में बैठे हुए थे, और रथनेमी को लगा कि कोई आया है, और जब आया तो सामने उन्होंने देखा कि साध्वी राजीमती आई है। राजीमती ने अपना वो एक साड़ी थी वो उतार कर सुखा दी, और सुखाने के बाद वो वहां बैठी हैं इंतजार में प्रतीक्षा कि भैया सूख जाएगी तो पहनकर वापस चले जाएंगे। पर राजीमती को इस नग्न अवस्था में देखकर जो रथनेमी है उनका मन फिर से विचलित हो गया। वो एक बार जो समझा दिए थे ना बात, वो बात समझ में पूरी बैठी नहीं, और फिर से मन विचलित हुआ तो एकदम से वो बोल पड़े कि देवी। तो जैसी राजीमती ने सुना कि देवी ये कौन, यहाँ कौन है गुफा में, और क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि इस गुफा में कोई, शायद अंधेरा रहा होगा, या कई बार बाहर से भीतर की तरफ जाते हैं तो थोड़ा आंखों में थोड़ा सा बाहर का प्रकाश की वजह से अंधेरा ज्यादा लगता है, या कुछ को जो भी कारण रहा हो, परंतु रथनेमी की आवाज लगाने के बाद ही राजीमती को पता चला कि गुफा में पहले से ही कोई बैठा हुआ है। राजीमती एकदम से डर जाती हैं और अपनी साड़ी जैसे तैसे करके खींचती हैं, अपने आप को ढकती हैं, और परंतु जैसे ही उनको पता चला कि अरे तो रथनेमी है, तो सारा भय काफूर हो जाता है और कहते हैं तो आप यहाँ पर? करे हाँ राजीमती मैं यहाँ हूँ। करे अच्छा मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ ध्यानस्थ हैं, मैं अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ निश्चित नहीं आती। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हुई ना कि तुम इस गुफा में आ गई, देखो किस तरीके से, अभी तुम भी जवान हो मैं भी युवा हूँ, अभी हमारी जवानी में अभी समय ही कितना गया है, अब हमारी उम्र ही कितनी हुई है, देखो गलत टाइम पर तुमने भी दीक्षा ले ली, गलत टाइम पर मैंने भी दीक्षा ले ली, हम ऐसा क्यों ना करें कि हम दोनों शादी करते हैं और घर बसाकर फिर जब समय आएगा बाद में ले लेंगे दीक्षा, अभी हम भोग भोगेंगे, अभी जीवन का आनंद लेंगे, अभी हमारा समय है। तो राजीमती को जब ये बात सुनाई दी तो राजीमती ने फटकारा फिर रथनेमी को है? कि तू पता है तुझे तेरा कुल कौन सा है, तेरा खानदान कौन सा है? करे हाँ अंधक वृष्णि के कुल का हूँ। करे अंधक वृष्णि के कुल का है, और बातें कैसे कर रहा है तू, बातें कैसे कर रहे हो आप, आपको पता है कि इतने ऊंचे खानदान में, अरे तुमसे अच्छा तो वो सांप है जो एक बार अपना जहर छोड़ देता है ना, जो एक बार यदि उसने जहर छोड़ दिया तो फिर चाहे कुछ भी कर दो वापस जहर वापस नहीं लेता अपना, कोई उसको आग में भी जला दे आग में जल जाता है, पर जहर जो एक बार गया सो गया वापस नहीं लेता, परंतु तुम्हारे तो हाल उससे भी बुरे हैं। अरे तुम्हारी तो हालात जो है हड़ नाम की वनस्पति की तरह, हड़ एक वनस्पति तो पीपल की तरह पत्ता होता है उसका, और छोटा सा पौधा होता है जो जहां झरने वगैरह होते हैं वहां ज्यादा उगता है, जहां पानी का स्रोत होता है वहां ज्यादा उग जाता है। तो पानी जब गिरता है ना तो पानी के गिरने से जो हवा पैदा होती है उस हवा से भी उसके पत्ते बस यूं ही झूलते रहते हैं। तो खैर तुम्हारे हालात तो उस पत्ते जैसी हो गई है, करे कदम कदम पर डिगने वाले, तुम आज मेरे लिए डिग रहे हो, कल तुम किसी और स्त्री को देखोगे तुम उसके लिए डिग जाओगे, परसों कोई और दिखेगी फिर उसके लिए डिग जाओगे। अरे जीवन में इसी तरीके से ठोकरे खाते रहोगे या संभलोगे भी? जब राजीमती ने रथनेमी को यह समझाया तो रथनेमी समझते हैं, और जैसे कई बार हाथी जो होता है ना मतवाला हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, अंकुश मारते हैं, तो अंकुश से हाथी मतवाला हाथी क्या हो जाता है, वश में आ जाता है। ऐसे ही रथनेमी भी राजीमती के इन वचनों से रस्ते पर आ जाते हैं, दोनों संयम का पालन करते हैं, दोनों को ही कैवल्य की प्राप्ति होती है। भगवान अरिष्टनेमी तो वो तो तीर्थंकर थे, उनको तो होना ही था, राजीमती को भी रथनेमी को भी दोनों कैवल्य प्राप्त करके अंततः सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। इस तरीके से ये अध्ययन का भाव है। अब हम इसका पहले इसकी गीतिका लेंगे और इसके बाद इसका मूल पाठ। प्राणियों का वध अगर हो मेरे कारण से यहाँ, श्रेयकारी हो कभी ना अरिष्टनेमी ने कहा। प्राणियों का वध अगर हो मेरे कारण से यहाँ, श्रेयकारी हो कभी ना अरिष्टनेमी ने कहा। राजीमती के बोध से संयम टिका रथनेमी का, श्रेष्ठ कुल की साध्वी वो शील की थी रक्षिका। श्रेष्ठ कुल की साध्वी वो शील की थी रक्षिका।
मूल पाठ सोय सूर्यपुरम नैरयासीय महिधीय वसुदेवते नामेण राय लखन संजुय तस भज्जा दुवे आसी रोहाणी देवई तहता सिंधोनम दुवे पुता इठा राम केसवा सूर्यपुरम नैरयासीय महिधीय समुद्र विजय नाम राय लखन संजुए तस भज्जा शिवाणामती से पुत्तो मायसो भगवं अरिठने मिति लोगणा हिदमिसरे सो अरिठने मिणामो लखण लखण सर संजुओ अठ सहस लखण धरो गोयमो काल गच्छवि वज्री सह संघयाणो समचौरंसो झयस झयो झसो यरो तस राय मय कन्नम भज्जम जायाय केशव अह साराय वर कन्ना सुशीला चारु पेहिणी सव लखण संपन्न विज्जो सोया मणिप्रभा अहाह जनोति से वासुदेव महिडियम इहा गच्छ कुमारो जासे कन्नम ददामि हम सवो सही हिम नहि वो कय को मंगलो दिव्य जोयल परिहो आवरणि विभूषियो मत्तम च गंध हत्तिम च वासुदेव स जिठगम आरूढ़ो सोहय अहियम सिरे चूड़ामणि जहा अहौ सीण छेतेण चामराई असो ही दसार चक्केण असो सवो परिवार वो चौ रंगिणी सेनाय रयाय जह कवं सूर्याण सन्याणेण दिवेणम गगणम फुसे ए आरी साए ए धीये जुतिये उत्तमाय गाओ भवणाओ निजाओ नन्नी पुंगाओ अहसो तथ निजंतो दिस पाणी भय दुए वाडी हिम पंजरे हिम चे सन्ने रुद्धे दुसु दुखिये जीवी अंतम तो संपत्ति मन सठा भिखाया भिखय वय पासिता से महापन्ने सार हिमिण मबावी कस अठाई में पाणाए सव्य सुहंसीणो वडे हिम पंजरे हिम से सुन्ने रुद्धाय अच्छी हिम अह सारही तो वणे बदाओ पाणीणो तुझ विवाह कज्जमे भैया भोया वे हुंबो जनम सोण तस वैणम पहो पाणी वीणा सणम चिंते से महापन्ने साणु को से जिये हियो जय मज्ज कारण है हम मंती सुबहु जिया जेमने में सुई एयम सु तो निश्चय संपर लोगे भविष्य सो कुंडला कुंडलान जुएलम सुतगम च महायसु आभरणाणी संवाणी सार हिस्स प्रणामाय मन परिणामो य कहो देवाय जोयम समोहिन्ना सविधीय सपरिस निखमणम तस काउंजे देव मानुष परिवुडो सिया व्यारणम शिवियारयणम तव समारुढ़ो निखम्य बार गाओ रे वयम मिठियो भगवम उज्जानम संपत्तो ओनोत्तमाओ सियाओ साहसीय परिवुडो अह निखमयो चित्ताही अह सो सुगंध गंधीय तुरियम ओय कुंचीय संयमे वलंचे केसे पंच मुठी समाहियो वासुदेवो यम भणै तुत्तके समझियन्दियम मनोहरम तुरियम पावु सुतम दमिसरा नाणेन दंसणेन च चरितेनम तहे वय खंतिय मुतिय चेव वड्ढमाणो बहावे भवाहिय एवं ते राम केशव दसाराय बहुजन अरिठने में वंदिता अभिगया बहु बारगापुरीम सोण रायर कन्ना पवज्जम साजेण सौ निहासाय निरानंद सुगुण सुमुच्छिया राय मयि विचिन्ते धीरथो मम जीवेयम जाहम तेन परिचता सेयम पवयम मम अह सभम रसन्निभे कुच फणग साहिय सयमेव लुंचे केसे धीये मंतव वसिया वासुदेवो यणम भणय लुत्त के समझींदिये संसार सागरम गोरम तर कन्नीलहुं लहुं सापवय असन्ति पवविसितइम्बहुं सयणं परियणं चेव शीलवन्त बहुसुया गिरिं रेवतयं जन्ति वाणे वासेणुल्लाव अन्तरा वासन्ति अन्धया रम्मि अन्तुलयणस्य साठिया चीवरायं विसारन्ति जहा जायति पासिया रहणे मि भगचित्तो पच्छा दिठो यति एवि धियाय सातायं दट्टुं मे गंते संजयं तयं बाहायं काउं संगोपं वेवमाणी विसियै अहसो विराय पुत्तो समुद्ध विजयं गवो भियं पेवैयं दट्टुं इमं वक्कमुदाहरे रहणे मे अहं भद्दे सूरु वेचारु भासेणि मां भयाहि चुयणु नैति पीला भविष्यै एहि तभुंजि मोभोय मानुषं चुखोदु अमानुषम खुसु दुर्लहम भूत भोगी पायतो पच्छा जीनम मग्गम चरिसामो
दठोण राम नेमिम तो भगुजोय पराजयम राय मये असंभंता बंपाणम अपाणम संभरितायम अहसाराय वरकन्ना सुठिया नियम वय जायम टोलम च शीलम च रखणा रखमाणी तयम वय जय शिरुवेण विषमाणी विषमणो ललियेण नलकुब्बरो तहावितेण इच्छामि जयसी सखम स्फुरंदरो पखंदी जलियम जोयम धूम केयम दुराशयम लेछंती वंतयम भूतम कुले जाया अगंधणे धीरथु तेजसु कामी ज्योतम जीवीय कारण वंतमिच्छसि आवे ओम सेयम तम मरणम भवे अहम च भोग रायस तम जचि अंधगवण हिनो मा कुले गंधणा होमो संजमम ने हो चर तम काही सी भाव जा जा दिच्छसि नारी वो वाया विद्धो वहडो अठी अप्पा भविष्यसि गोवालो भंड वालो वज तद्दव निस्सरो एवं मणिस्सरो तदंपी तदंपी सामन्नस भविष्या भविष्यसि तीसी सुवयणम सोचा संजया ये सुभासी यम अंकुशेण जहना गुधम्मे संपड़ी वायो कोहम माणम निगणिता मायम लोभम च सवसो इंदियायम वसिकाऊम अपाणम वुव संगरे मण गुत्तो वय गुत्तो काय गुत्तो जींदियो सामणम निच्चलम पासे जाव जीवम दड्ढवो दिगम तवम चरिताणम जाया दोन्नी विकेवली सवम कमम खविताणम सिद्धिम पताणोत्तरम एवं करिंति संबुद्धा पंडिया पवीय खण वीणी यत्तंती भोगेशो जहासे पुरुषोत्तमोति वेमी।